कक्षा 10 आरबीएससी गणित विविध प्रश्नमाला 3 बहुपद संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। बच्चों इससे पहले हमने सवाल नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे, अब हम सवाल नंबर 12 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 9, 10 और 11 आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं करेंगे। तो आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं, समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो देखो सवाल नंबर 12, द्विघात समीकरण ax2 + bx + c = 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधर आचार्य सूत्र लिखिए। सिंपल है, श्रीधर आचार्य सूत्र लिखना है और इस वर्ष का जो सिलेबस है ना उसके अनुसार आपसे पूछा जा सकता है। एक नंबर में जैसे 10 सवाल आएंगे एक एक नंबर के, तो वहां आपसे सूत्र पूछे जा सकते हैं कि श्रीधर आचार्य सूत्र लिखिए। तो बच्चों श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, या तो d लिखो या फिर b² - 4ac और भाग में 2a। सिंपल ये सूत्र लिखना है, ठीक है। या अगर आप यहाँ d लिखोगे तो d लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन ये पूरा लिखना, सूत्र ही पूछे ना तो ये वाला लिखना, ठीक है ना, वो तो अपनी सुविधा के लिए हम निकाल लेते हैं उसे। तो ये वाला सूत्र आपको लिखना है परीक्षा में, आगे समझ में। अब देखो 13वां समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविक्तर का व्यापक रूप लिखकर मूलों की प्रकृति समझाइए। ये जो समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है, इसके विविक्तर, विविक्तर को हम कैसे दिखते हैं, डी से। तो बताओ डी बराबर क्या ज्ञात करते हैं, b² - 4ac, ये होता है विविक्तर। जैसे डी का मान आप यहाँ रख सकते हो, डी को यहाँ लिख सकते हो, ठीक है ना। तो डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अब कह रहा है व्यापक रूप लिखकर मूलों की प्रकृति समझाइए। अब मूलों की प्रकृति कितने तरह की होती है, अगर डी का मान 0 के बराबर आया तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान। तो हम ये लिखेंगे, अगर डी का मान क्या आया 0, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मूल कैसे होंगे, वास्तविक, वास्तविक व बराबर, व समान लिख दो या बराबर लिख दो, एक ही बात है, ठीक है, हो गया। अगर दूसरी स्थिति, डी का मान 0 से क्या आया, बड़ा, मतलब प्लस में आया, जैसे 10, 20, 50, 1, 2, 3, डी का मान 0 से बढ़ाया तो मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, वास्तविक व भिन्न भिन्न, वास्तविक और भिन्न भिन्न हो जाएंगे, ठीक है। एक स्थिति क्या आती है, डी का मान क्या आएगा 0 से, मूल कैसे होंगे, वास्तविक है तो मूल कैसे होंगे, मूल हो जाएंगे काल्पनिक, या लिख सकते हो मूल वास्तविक नहीं, मतलब डी का मान अगर 0 आया तो समीकरण के उत्तर 2 आएंगे, कितने उत्तर आएंगे, दोनों उत्तर कैसे होंगे, समान। अगर डी का मान 0 से बड़ा आया तो मूल कैसे होंगे, और दोनों उत्तर कैसे आएंगे, और डी का मान 0 से छोटा है तो उसका कोई उत्तर है। तो बस सिंपल ये चीज आपको यहाँ पर लिखनी थी, एक नंबर में बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो बस आपको विविक्तर ये है आपका, इस प्रकार से हम विविक्तर ज्ञात करते हैं और फिर मूलों की प्रकृति को हम इस तीन तरह से लिखते हैं, डी बराबर 0, डी बड़ा है किससे 0 से, और डी छोटा है 0 से। समझ में आ गई बात। अब देखो सवाल नंबर 14, द्विघात बहुपद, ये इस साल आ सकता है बच्चों, बड़ा आएगा, 3 नंबर में आएगा अगर आता है तो। द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले तो हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं और फिर सत्यता की जांच, जैसा हमने प्रश्नावली 3.1 में किया था, है ना, सेम उसी तरह से परीक्षा में आ सकता है, ध्यान देना। समीकरण क्या है बेटा, दो समीकरण नहीं बहुपद, क्या है बहुपद, 2x² - 8x + 6 यही है। अब देखो हमें इसके शून्य भी ज्ञात करने हैं और जांच भी करनी है। अब बेटा बहुपद को हम केवल एक विधि से हल करते हैं, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। बीच की संख्या के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर तो बीच की संख्या ही आए, और गुणा करने पर पहली और तीसरी संख्या का क्या आना चाहिए, गुणा आना चाहिए। लेकिन देखो अगर आप चाहो तो समीकरण को छोटी कर सकते हो, सब में किसका भाग जा रहा है, जा रहा है ना, तो समीकरण को छोटी कर लो ताकि आसान रहेगा। अगर भाग न देखे वैसे टुकड़े करोगे तब भी चलेगा, पर भाग लगा लो, ठीक है ना, ताकि समीकरण छोटी हो जाएगी और टुकड़े करना क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो सब में 2 का भाग जा रहा है ना, 2 का भाग 2 या x², 2 से 2 खत्म हो गया ना, 2 का भाग इसमें 4 बार और 2 का भाग इसमें 3 बार।
अब बेटा टुकड़े किसके करने हैं? जोड़ने घटाने पर चार, गुणा करने पर तीन, क्या होगा? तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, में एक जोड़ेंगे तो चार, और तीन को एक से गुणा करोगे तो तीन आएगा ना। अब यहाँ चिन्ह किसका है? तो दोनों टुकड़े या तो होंगे प्लस के या दोनों टुकड़े होंगे, यहाँ चिन्ह किसका है मतलब दोनों किसके होंगे? माइनस के। तो देखो यहाँ टुकड़े करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक तो गया तीन एक्स, और एक हो गया माइनस का एक्स। देखो तीन एक्स और एक एक्स कितना हो गया? चार एक्स। तीन एक्स को एक्स से गुणा करोगे तो तीन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और पीछे प्लस का कितना? तीन। अब बनाएंगे दो दो के, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा, बताओ बेटा इस जोड़े में से क्या कॉमन? कॉमन लेना है, क्या कॉमन है? एक्स। एक्स का भाग दिया तो एक्स, एक्स का भाग दिया तो तीन, ठीक है। अब माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन है? कोई कॉमन नहीं होता, कितना? एक कॉमन है। अब देखो माइनस एक का भाग इसमें देंगे, माइनस माइनस क्या हो गया? एक का भाग एक्स में, माइनस प्लस माइनस एक का भाग तीन में, तीन भाग। ये दोनों डिब्बे आपके समान आने आगे समान, तो दोनों डिब्बों में से एक डिब्बा लेंगे, एक्स माइनस तीन, एक बार वाला एक्स माइनस एक। अब दोनों को किसके बराबर रखेंगे? जीरो के बराबर। देखो यहाँ पर एक्स माइनस तीन बराबर जीरो, एक्स माइनस एक बराबर जीरो। मान किसका निकालना है? तीन को उधर भेजेंगे, माइनस का है तो एक्स बराबर कितना हो गया? एक भी उधर जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, ठीक है। तो कितने शून्यंक आ गए? दो। अब हमने पढ़ा है कि पहले शून्यंक को क्या मानते हैं? अल्फा। दूसरे शून्यंक को अल्फा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और वो दूसरा तरीका है ना, वैसे भी लिख सकते हो। पहला शून्यंक हमने क्या मान लिया? दूसरा शून्यंक, अब करेंगे सत्यता की जांच। अब जांच में क्या करते, एक बार दोनों को जोड़ते हैं और एक बार दोनों को गुणा, शून्यंकों का योग और एक बार शून्यंकों का, पहले शून्यंकों का योग करेंगे। शून्यंक कौन सा? एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, ये होता है ना माइनस बी बटा ए। अब देखो ध्यान देना इधर, सबसे पहले तो ये जो समीकरण थी ना बहुपद था, सॉरी इस बहुपद में से एबीसी का मान निकालो, या तो इसके ले लो या इसके ले लो, एक ही बात है, इसके ले लेते हैं हम। बताओ ए का मान एक्स स्क्वायर के गुणा में ए, बी का मान एक्स के गुणा में चार, सी का मान तीन, है ना एबीसी का मान। ये भी ले सकते हो आप, ऊपर वाले भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ अल्फा कितना? तीन, प्लस बीटा कितना? एक बराबर माइनस है तो बी का मान कितना? माइनस का चार बटा ए का मान कितना? एक। तीन और एक कितना हो गया? माइनस माइनस, और ए का भाग चार में, दोनों बराबर है, इसका मतलब अपना उत्तर बिल्कुल सही है। एक बार करेंगे अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यंकों का गुणा, इसका सूत्र क्या होता है? सी बटा ए। अल्फा कितना? ये रहा तीन, इंटू बीटा कितना? एक बराबर सी का मान तीन बटा ए का मान एक, तीन एकम और ए का भाग तीन में, दोनों बराबर, इसका मतलब अपना उत्तर बिल्कुल क्या है? सही है। उतारो। नहीं, सवाल नंबर 15। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक हैं, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा, एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा। बच्चों यहाँ पर अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद की क्या है? शून्य का है, तो हमें इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो बहुपद दे रखा है इसमें ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो बताओ ए का मान कितना? ए का मान जो एक्स स्क्वायर के गुणा में है, बी का मान कितना? माइनस का पी, जो किसके गुणा में है? एक्स, ठीक है ना, ये माइनस का पी, और सी का मान जो अकेला है मतलब क्यू, ठीक है। शून्यंक दे रखे अल्फा और बीटा, क्या करते हैं? एक बार तो शून्यंकों का योग और एक बार शून्यंकों का गुणा करते हैं। करो भाई, एक बार तो करेंगे शून्यंकों का योग। शून्यंक क्या है भाई? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए, ये होता है। अब देखो माइनस है तो माइनस, बी का मान माइनस का पी बटा ए का मान एक, माइनस माइनस ए का भाग पी में देंगे तो पी आ जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया? पी आ गया, ठीक है।
अब एक बार करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए। अच्छी तरह से याद है मैं सब चीजें, सी कितना भाई सी है क्यू, ए कितना है एक, तो बराबर क्या आ गया ए का भाग क्यू में देंगे तो क्यू आ गया, ठीक है ना। अब देखो पहली चीज हमें ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब देखो अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई सूत्र है क्या, माइनस वाला है, प्लस वाला थोड़ी है, ए माइनस वाला है ना, ऐसा कोई सूत्र नहीं है, और इधर ऐसे कोई हमारे पास मान भी नहीं है। तो बच्चों हम क्या करेंगे इसको सूत्र के रूप में बनाएंगे, कैसे, वो सूत्र आता है कौन सा, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो ए बी, ऐसे खुलता है, ऐसे खुलता है ना। अब देखो इसमें ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है, क्या नहीं है, दो ए बी नहीं है ना, तो हम दो ए बी इसमें ऐड करेंगे। अब दो ए बी ऐड करने के लिए एक बार तो दो ए बी को जोड़े देंगे और एक बार दो ए बी को, मतलब कैसे, देखो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अब इसमें प्लस करेंगे दो अल्फा इंटू बीटा, फिर माइनस करेंगे दो अल्फा इंटू बीटा, ऐसा करने से इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। अरे इसमें से ये इसको इसे ये कट जाएगा, वापस क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखो यहां से लगाकर यहां तक तो सूत्र बन गया अपने, बन गया सूत्र ये वाला बन गया ना। अब इसको वापस कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का, ए का मतलब यहाँ क्या है अल्फा, बी का मतलब बीटा, और इसका क्या हो जाएगा पीछे क्या बचा माइनस का दो अल्फा इंटू बीटा, समझा की बात। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो यहाँ आ जाएगा पी, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो दो का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, तो पी का स्क्वायर और दो क्यू, ये आ जाएगा पहले का उत्तर, आ गया समझ में। अब दूसरे का, ये देखो दूसरा नंबर यहाँ दे रखा है, कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं है ना। अब देखो दूसरा ये वाला, एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा, अब देखो ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में प्लस का चिन्ह, क्या लेंगे लस ले लेंगे, बताओ लस क्या आएगा, दोनों आएंगे ना, अल्फा भी आएगा और जब ये दोनों अलग अलग हो तो इसको इससे गुणा और इसको, बीटा को एक से किया बीटा, अल्फा को एक से किया अल्फा, आ गया। अब देखो बीटा अल्फा प्लस बीटा, अरे बीटा प्लस अल्फा को या अल्फा प्लस बीटा को एक ही बात है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है पी बटा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है क्यू, ये आ जाएगा इसका आंसर, आ गया समझ में। तारो सवाल नंबर 17, 16 आपके सिलेबस में नहीं है तो हमें नहीं करना है 17 सवाल, ये जो 17वां सवाल है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो क्या लिखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड मतलब मकान, 528 मीटर स्क्वायर है, भूखंड की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, द्विघात समीकरण निरूपित कर भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें जो ये कथन दे रखा है इसे पहले द्विघात समीकरण बनाना है, फिर भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो देखो किस प्रकार है, मान लो आपके पास ये कोई आयताकार भूखंड है, ठीक है, मकान है ये ऐसा, ठीक है। अब इस आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है, ये वाला अंदर वाला क्षेत्रफल एरिया, वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे क्या कहा है, भूखंड की लंबाई, ये लंबाई है ना, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के कितनी है एक अधिक, कौन अधिक है लंबाई। तो सबसे पहले बच्चों में क्या करना पड़ेगा, यहाँ लंबाई और चौड़ाई को मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अब देखो पहले लंबाई मानोगे या फिर चौड़ाई मानोगे, ध्यान देना, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, किससे अधिक है चौड़ाई, जिससे अधिक हो ना या जिससे कम हो या जिसकी गुणी हो वो हम पहले क्या करते हैं मानते हैं। तो क्या माननी पड़ेगी चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई इससे ही है ना। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना भूखंड, भूखंड की चौड़ाई, बताओ बेटा क्या मान लो, अंग्रेजी का कोई सा भी अक्षर मान सकते हो, एक्स मीटर है, क्या है एक्स मीटर, ठीक है, मान ली। अब चौड़ाई एक्स मीटर है तो लंबाई क्या होगी, ध्यान देना इधर, लंबाई क्या है, देखो लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, लंबाई क्या है
चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई लंबाई क्या है? चौड़ाई के दुगने से एक क्या है? अधिक है ना। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। बताओ चौड़ाई कितनी है? x गुणा दो प्लस का दो को x से गुणा किया दो x प्लस एक। तो बताओ लंबाई की चौड़ाई कितनी? x और लंबाई कितनी? समझ में आ गई? आ गए ना। अब देखो हमें क्या दे रखा है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा है कितना? देखो अब लिखेंगे हम आयताकार भूखंड, भूखंड का क्षेत्रफल बताओ बेटा कितना? 528 मीटर स्क्वायर। ये दे रखा है। अब क्षेत्रफल दे रखा है तो हम क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लगा सकते हैं। बताओ आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू ये होता है आयत का। तो क्षेत्रफल की जगह सूत्र लिखेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल कितना? 528। ठीक है। अब बताओ लंबाई कितनी? लंबाई ये रहा 2x प्लस a गुणा चौड़ाई कितनी? चौड़ाई है x बराबर कितना? 528 हो गया। अभी x गुणा हो जाएगा अंदर तो दोनों से गुणा होगा। x को 2x से गुणा किया 2x से प्लस है तो x एकम x और ये बराबर में कितना? 528। हमें क्या बनाने के लिए कहा है? 528 किधर ले आएंगे? क्योंकि बराबर में क्या लेना है? जीरो लेना है। तो ये प्लस का किसमें आ जाएगा? दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 500 बराबर में जीरो। समझ आ गया? बन गए द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं? गुणनखंड है, पूर्ण वर्ग है, श्रीधर आचार्य है, तीनों में से कोई सी विधि लगाओ इसको हल करने के लिए। तो देखो अब अगर गुणनखंड लगाते हैं तो टुकड़े करने में देखो थोड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए आप श्रीधर आचार्य लगा दो। क्या लगा दो? बताओ बेटा श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस चार ए सी बटा दो ए। यह होता है, अभी लिखा था मैंने। आप चाहो तो इसकी जगह पहले d ज्ञात कर लो और वैसे कर लो, ठीक है? चाहो तो, अगर नहीं करना चाहो तो ये भी लगा लो। अब देखो यहाँ से पहले ए बी सी का मान निकालेंगे। बताओ ए का मान कितना? दो। बी का मान और सी का मान? 500। इसमें तो किसी को समस्या नहीं है, नहीं है ना ए बी सी के मान में? तो अभी मान वहां फिट करो। तो x बराबर माइनस है तो बताओ b का मान ये आएगा एक प्लस और माइनस अंडर रूट b का मान a का माइनस चार इंटू a का मान दो इंटू माइनस का 528। इसका मान है आपके माइनस का 528, ठीक है ना? यही है। अवल करेंगे देखो x बराबर माइनस एक प्लस माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर एक, ठीक है? माइनस माइनस प्लस चार दुनी आठ, इसे गुणा होगा। तो देखो चार दुनी आठ, आटा बाटी हासिल का छ हो गया ना, आठ दुनी सोलह और छ बाईस हासिल का दो, आठ पंजो चालीस और दो बयालीस, ठीक है? और बाघ में क्या था? दो ए, ये भी तो है बाग में, ये तो भूल ही गए। दो इंटू ए का मान दो है ना, और बाग में यहां भी दो दुनी कितना हो गया? चार, ठीक है? समझ आएगी बात? दो ए भी था बाग में। अब देखो एक्स बराबर माइनस का एक प्लस माइनस अंडर रूट कितना भाई, दोनों को जोड़ो बयालीस कितना हो गया? पच्चीस, और बाग में कितना? चार। x बराबर माइनस एक प्लस माइनस बयालीस पच्चीस का क्या निकालेंगे? वर्ग मूल। अब देखो इसका वर्ग मूल कैसे निकालोगे? पच्चीस का तो कितना होता है? पांच। पच्चीस का कितना होता है? अब ऐसी दो संख्या लगातार जिनको गुणा करने पर बयालीस आता है, छह सात हो, छह को सात से गुणा करने पर कितना है? अब आगे से कितनी ले लेंगे? छह। तो ये किसका वर्ग मूल है? कैसे निकाला? देखो मैंने वैदिक गणित से, वैदिक गणित में बयालीस पच्चीस, जिसके मतलब पीछे वाला 25 हो ना उसका तो फिक्स कितना होता है? पांच। कितना होगा? अब बयालीस का कैसे निकालोगे? छह को सात से गुणा करने पर कितना आता है? बयालीस आता है। यहां से छोटा नंबर लेंगे कितना? छह। तो कितना हो गया? 65। अगर ऐसे निकाला नहीं आता है तो दूसरा तरीका, वैसे गुणनखंड करके बयालीस पच्चीस के क्या करने? टुकड़े करने।
टुकड़े करके निकालो, या फिर ये शॉर्ट सीधा तरीका है। 25 का कितना? 5। अब ऐसी दो संख्या देखो जिसको लगातार गुणा करने पर 42 बनता हो, लगातार है ना दो, तो इसमें छोटी संख्या ले लेंगे कितनी? 6। तो किसका है? 63 का। और भाग में कितना भाई? 4। अब एक बार प्लस का चिन्ह और एक बार माइनस का, तो यहाँ क्या लिखेंगे? धनात्मक चिन्ह लेने x बराबर माइनस 1 प्लस 65/4। तो देखो x बराबर 65 में से 1 गया तो 64/4, 4 का भाग लगाओ तो x बराबर कितना गया? 4 एकम 4, 6 का 24, 16 गया। एक बार क्या लेंगे? ऋणात्मक चिन्ह लेने पर माइनस वाला लेना है, तो देखो x बराबर माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ क्या लेना है? माइनस का 65/4। तो देखो यहाँ पर माइनस का कितना हो गया? 66/4। पूरी पूरी बार भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, तो रहने दो या फिर काट दो। 2 से कितना? 33, और 2 से कितना? 2, तो क्या आ गया? माइनस का 33/2। तो एक उत्तर तो आया कितना? 16, और एक उत्तर कितना आया? माइनस का 33/2। अब देखो मैं क्या ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं आती, हमेशा किस में आती है? तो हम केवल कौन सा मान लेंगे? प्लस वाला ही लेंगे। कौन सा मान लेंगे? तो देखो सबसे पहले हमने चौड़ाई को क्या माना था? x। चौड़ाई क्या मानी थी भाई? चौड़ाई मानी थी x, और x का उत्तर कितना आया? 16, और मीटर दे रखा था तो किस में लिखेंगे? मीटर में। आगे चौड़ाई, अब क्या निकालनी है? लंबाई निकालनी है। बता बेटा लंबाई क्या थी? ये रहा 2x + 1, 2 का तो गुणा x का मान 16 + 1, 16 × 2 = 32 और 33 मीटर। आ गया समझ में? ये तो आ गए चौड़ाई, और ये क्या आ गए आपके? लंबाई। अब ध्यान दो, इन दोनों को गुणा करके देख लो, इन दोनों को गुणा करने पर क्षेत्रफल कितना आना चाहिए? 528 आया, तो आपका उत्तर सही है, अन्यथा आपका उत्तर गलत है। आ गया समझ में? उतारो पहले। आज की क्लास में हम यही सवाल करेंगे, बाकी सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।